वेलकम गेमर्स, स्वागत आपका हमारे शैडो फाइट 2K एक और एपिसोड में, जहाँ पे आज हम जा रहे हैं अंडरवर्ल्ड, मतलब ज़मीन की नीचे की दुनिया। अभी अब बोल रहे होंगे बहुत सारे लोग कि भाई टाइटन का वेपन मिलता कि नहीं मिलता। तो भाई हमारे एक लेजी क्रेजी गेमर नाम के भाई है, उन्होंने बताया कि टाइटन का वेपन नहीं मिलता है। तो अगर टाइटन का वेपन नहीं मिलता है तो नहीं लड़ने वाला मैं। तो अब सीधा हम रेड स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ। हाँ, और उन्होंने बताए थे कि ये देखो 3000 जेम्स जो आपको ऊपर दिख रहे होंगे, ये कहाँ से है इतने सारे। तो जो लोग हमारे वीडियो को पहले देख रहे हैं उनको पहले से पता होगा कि असल में ये समर अपडेट की बात है। जब फ्रीज जूनियर नहीं आया था क्या, तब हमको जब मैं अपडेट किया था गेम को, तब हमको 4000 जेम्स मिल गए थे। तो 1000 कहाँ गए? तो बताता हूँ आपको, ये जो आपको वेपन दिख रहे हैं ना, ब्लड रिपर, कोरल प्रिकल्स, ग्रिमसाइट, सिल्वर ग्लेव, ये सब मैंने उसी से लिया हो। मैं बस टेस्ट कर रहा था कि मैं उसे ले सकता हूँ, ले सकता देखा था ले पा रहा हूँ। बट ये जो चीज़ है ये सिर्फ ओवर वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, तो ये खरीद सकता हूँ ये 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 और ये, बट ये सब नहीं ले सकता मैं। ये सब इनमें से कुछ भी नहीं ले सकता मैं। और जब मैं खरीद देता ना, तो आप लिखा था अनवेरीफाइड जेम्स। अब कैसे बताओ आपको, ये जो कुछ खरीद के दिखाता हूँ, अभी ये खरीद दिखाता हूँ। देखो, नॉट इनफ वेरीफाइड जेम्स, मतलब ये जो है जेम्स ये अनवेरीफाइड है, इसका मतलब ये है। तो फ्रेंड बता दूँ, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास 100 या फिर के आसपास हमारे पास वेरीफाइड जेम्स है। तो अब आपको अंडरवर्ल्ड के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, ये जो है ना, ये देखो, पहले आज हम दो बॉस लड़ने वाले, वॉल्केनो एंड मेगालिथ। जो वॉल्केनो है भाई, इसकी कोई इज्जत नहीं है। कैसे, इसकी जो कीज़ है ना, देखो 3 दिन का एक सीज़न रहता है, तो जब भी ख़त्म हो जाता है तो तब उसके कीज़ है ना अपने आप मिल जाती है वो। और मेगालिथ भाई, इसकी कीज़ नहीं मिलती। तो आज हम दो बॉस से लड़ने वाले हैं। ओ, फाइट स्टार्ट भी हो गई। असल में इसका कैसा है, ये जो इटर्नल्स है ना अंडरवर्ल्ड के बॉसेस, इनकी शील्ड रहती है, इनको शील्ड को तोड़ना पड़ता है। ऐसा है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है शील्ड है इनकी। ओ, मुझे पहले टेम्पेस्ट इसका ब्लू, ओ नहीं ऊपर कर दिया। और जो ज़्यादा शील्ड को कम करता है उसको ज़्यादा पॉइंट्स, मतलब ज़्यादा अच्छी रिवॉर्ड मिलते हैं। ये ले, पटक तो बड़ा इसको, एक दो तीसरा, ए अब उड़ जा, ए अपना जादू अपने पास ही रख। ओ नहीं, मेरा जादू भी ऐसे ले गया। चलो कुछ नहीं होता भाई, इसको रहना बहुत ज़्यादा आसान है। कितना डैमेज दिन में, 393, ठीक है। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी भाई, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था इसलिए। ये देखो, ये है यहाँ पे हमने अपना हीरो रखे है, 78% विन रेट है हमारा। क्या बोलता मैंने, देखो 1700 के आसपास शील्ड रही थी इसकी, अभी इसी 1000 रह गई है भाई। ये वॉल्केनो है ना, इसको हराना बहुत ज़्यादा आसान है। देखो उसकी सिर्फ 10% शील्ड बची है। क्या बोलता भाई, मैंने सो ऐसे कीज भी फुकट में ही मिल जाती है। अच्छा हुआ कूद गया, क्योंकि किक का डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ता है ना। पोकर कर दिया इसने मेरा, ये ले उसको पटको ले, बहुत बढ़िया, सीधा सर पे। चलो 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 चलो, मुझे मालूम था ऐसी कुछ गड़बड़ी कर सकता है। एग्रेसिव, फिर से उड़ा दिया भाई मैंने उसको, ये ले टिका नहीं सकती मैं तेरे पास आता हूँ। ओ टेम्पेस्ट रेज का ब्लो अब नहीं आने वाला। हाँ पोपर कर दिया, चलो देखते कितने, हर बार हमने डैमेज ज़्यादा ही दिए हो गए, 392, ठीक है। और एक और भी सिर्फ 600 के आसपास शील्ड बची। अरे भाई ऑफलाइन क्यों हो गया, ओ सुबह साइज है अभी तक।
हाँ फ्रेंड्स, मैं भी हाउ टू गेट मॉन्क सेट के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा कि आपको आसानी से मॉन्क सेट कैसे मिल सकता है। और ये हमारे यहाँ पे डेली क्वेस्ट रहते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको एक वो दिख रही होगी, टॉर्च, आग जल रही होगी, ये है। अगर इसको पूरा करते हो तो ये सब रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसको मैं वॉल्यूम के साथ ऐसे खेलता नहीं हूँ, पर आज खेल रहा हूँ ना। ये हो गया ना, अपनी इतनी बड़ी तलवार अपने हमसे दूर ही रख, बड़ी कस लगाई उसको। चलिए ले, हवा में उड़ा। ए, चल अपना वो जो जादू जो भी करता है तू, उसको अपने पास ही रख। एक, दो और तीन, इस बार उसको ख़त्म कर ही देंगे लग रहा है मेरे को। उड़ गया फिर से। चलो 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 चलो। अब मैं बता दूँ, मेरे को भी टेम्पेस्ट का भी ठीक से यूज़ करते ही नहीं आता है, तब भी मैं थोड़ा ठीक ठाक डैमेज दे देता हूँ भाई। पर बिना फ्रिंजी के टेम्पेस्ट से कमज़ोर है भाई। पांच कॉम्बो स्ट्राइक्स मार दिया इसने हमें, हो गया, नहीं दे सकते उसको डैमेज। आप टाइम्स अप 488, बहुत बढ़िया। हाँ देखो यहाँ पे टाइमर रहता है, देखो अभी सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड बाकी है। अगर समय लेते टाइम में नहीं आती हो तो ये रेड हार जाती है, ऐसा रहता है। अरे भाई मैंने अकेले ने इसमें 1000 ज़्यादा मारा हो, ये लोग कर क्या रहे, जल्दी जल्दी मारो तुम लोग भी। चलो जब ओ फिनिशिंग की आ गई। हाँ अब देखो, अब है ना, अब रियल वॉल्केनो से लड़ने वाले हम लोग, अब रियल वॉल्केनो से लड़ो। जब इसे हम शील्ड तोड़ रहे थे, देखो अब दिख रहा होगा आपको नॉर्मल। ओ असल में इनकी है ना वो शील्ड रहती है, शील्ड नहीं यार, शील्ड है ना उसको तोड़ना पड़ता है, तो इसको ही तोड़ा मैंने भी। और मैं क्या बताया, जो जीते ज़्यादा तोड़ता है उसको तो अच्छी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। होगा ख़त्म, अब मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया हूँ, देखते बड़ा हमें क्या क्या मिलता है। और फर्स्ट आने पर कोई चेस भी मिलती है, ये देखो ये सब टोटल डैमेज 1200 इतने पॉइंट्स, ये मिली चेस। देखो फर्स्ट वाली हमें दो फंग मैगाले से ये मिली जो नेक्स्ट बॉस है, और एक मॉन्क सेट शार्ड। ओ उसको हरा दिया हमने। चलो तो चलिए मैगाले से लड़ लेते हैं सेकंड बॉस। चलो फाइट स्टार्ट हो गई हमारी। हाँ पता नहीं मैं ये मैगाले के बाद मैगाले का कितने दिन के बाद लड़ सकूँ, बस कोरल प्रिकल्स रहते हैं। देखो डैमेज इसका, कोर और प्रिकल का डैमेज बहुत ज़्यादा है, इसका कॉम्बो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अरे भाई देखो लगता है हमें पता नहीं कि भाई कोर और प्रिकल कैसे काम करते हैं। है मैं इसको पटने तो इसने मेरे को पटक दिया, है इसने मुझे फिर से पटक दिया। अरे तो उसको जगाड़ता हो बरा। चल अब 1 2 3 4, ओ भाई ये मेरे को ऐसे पटक दे रहा है। चलो इस बार उसको टेम्परेचर ब्लो ज़्यादा नहीं मार पाया हो। ओ नहीं देखते हो कितना डैमेज दिए, ज़्यादा तो नहीं दे पाएगा, 339 ठीक है। ओ देखो इसने हम ज़्यादा दे दिया 442। चलो वो ब्लड रिपर इसके पास ठीक है। ये अभी 24 सेकंड तक लोड करेगा। ओ 3 2 1 स्टार्ट। ओ भाई कैसा हवा पे घंटा बजता है, पॉम। इसका लातों में लगा ही नहीं ये। 1 2 बढ़िया से लगा इसको। चलो चलो हाँ इसको बोलते पटकना। अब इसको एक और ब्लो मार दो, एक एक लगा क्यों नहीं। ओ नहीं यार इसको हवा में उड़ा तो बरा, अरे पोपर कर दिया उसने हमारा ही। ओ यार ओ शायद तक 4 माउफ हो गया, मतलब मैं यूज़ नहीं कर सकता टेम्परेचर को। देखो भाई अब पता नहीं कोई बग है कि क्या है,
अब देखो है ना, अगर मैं थोड़ी बार टेम्परेचर ग्लू मार दी तो फिर वापस से रिलोड नहीं होता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। 375 ठीक है, अच्छा ही डैमेज है भी। ओ 804 बहुत बढ़िया। अभी हम लोग सेकंड पोजीशन पे, ओ यहाँ पे सचिन भी है, सचिन नाम का एक भाई अपना, फोर्थ नंबर पे, हम लोग अभी सेकंड नंबर पे है। अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा 96, ये जो 96 दिख रहा है ना, असल में इसको चार्जेस बोलते हैं। देखो जिन लोगों को पता नहीं होगा उन लोगों को बता दे रहा भाई, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा क्या ये। ये देखो, ये जो है ना, ये वाला ही स्मॉल चार्ज डार्कनेस है। स्मॉल चार्ज डार्कनेस जो है बहुत कम डैमेज देता है, ऐसा है। और ये जो ये है ना, बहुत आसानी से मिल जाता है, मतलब ये है ना, बहुत आसानी से मिल जाता है। बट इनकी कंडीशन भी रहती है, डैमेज तो देती है बट ये बहुत कम डैमेज देते हैं। और अगर मीडियम साइज डार्कनेस है वो इससे ज़्यादा डैमेज देते हैं, और मीडियम साइज डार्कनेस डैमेज ज़्यादा देते हैं, पर उसे वो 25 जेम्स के मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज डार्कनेस यूज़ नहीं किया। देखो 400 थी नॉर्मल डैमेज, और जो चार्ज का डैमेज था वो 328 है टोटल। रिच क्रेजी स्टाइल इन एनी रेड, देखो रिवॉर्ड्स मिले जो डेली मिशन रहते ना उससे। देखो सीधा फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। 92 में पास स्मॉल चार डार्कनेस है, 11 मीडियम चार डार्कनेस, और 4 लार्ज चार डार्कनेस। लार्ज चार डार्कनेस लगभग 1000 के आसपास का डैमेज करते हैं, और ये कभी मिस नहीं हो सकते हैं। ये वाली कंडीशन है, कोई अगर आपको मार भी देंगे ना उस वक्त, तब भी आप रुकोगे नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। बट ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इधर हाल चाल, ओ ठीक है, फर्स्ट पोजीशन 5-4, ओ 1600 के आसपास एच पी बाकी है इसके। अब इस पर उसने प्रॉपर्टी कर दिया, चल ओ डैमेज का बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, चलिए ले। अभी तो फिलहाल मैं बस 2 यूज़ करूँगा, हो गया भाई, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करता, नहीं तो फिर बाद में मिलेंगी नहीं तो। ओ ये हमें मारेगा पोरल प्रिकल से, बेचारे का पोपट कर दिया हमने। ये ले मॉन्क अमुलेट पॉइजनिंग, और एक और ब्लो, बहुत बढ़िया, मुझे मालूम था कोरल प्रिकल से और कर ही क्या सकता रहा है। ये ले हवा में उड़ा देता हूँ इसको, ये देखो क्या उड़ाया, क्रिटिकल पड़ा इसको। तामजा पता नहीं इस बार कितना डैमेज दिया हमने, इस बार चार्ज डैमेज है 168 और नॉर्मल डैमेज है 440। ठीक है, अब वो क्या मैं चार्ज यूज़ नहीं करूँगा भाई। हमने अगले 2000 डैमेज दे चुके हैं, मतलब कि शील्ड कम चुके हैं, फर्स्ट पोजीशन है अपने भाई सचिन भाई, क्या है उनके पास। अभी तो इनके पास बस नकल्स है जो बहुत पीछे रहता है, बट तब भी इन्होंने अच्छा खासा डैमेज दे दिए। और मेरा मॉन्क सेट जो मैं बता देता हूँ, ये मॉन्क सेट जो है ये लेवल 30 का है बस, क्या बस इसका जो जादू है ना मॉन्क एमुलेट, बस वो 52 का है। बहुत बढ़िया, इसकी सिर्फ 500 के स्पेशल पास ही है, बहुत बढ़िया, इससे तो आराम जीत जाएंगे। इस बार फिर से पोबड़ कर दिया, स्वीप मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, अब तेरे को तो बहुत कुछ हुएगा, लेकिन अब बहुत दिमाग खराब कर दिए तूने। ए दूर मत भाग, हो गया ना भाई, चल ये ले, एक तो ब्लो खाना है, हाँ ठीक है। अब ये ले, मुझे मालूम था 1-2 ऐसे 2 ही ब्लो पड़े सो था। अब ये ले, नहीं यार नहीं, ओ बच गया बच गया बच गया, गया नहीं मैं। अब एक ब्लो यार, सिर्फ एक ब्लो खा लेता तो क्या हो जाता तेरा। 269 चल ठीक है, 2322 डैमेज और ख़त्म भाई, फिनिशिंग आ गई, इसकी ओरिजिनल हेल्थ आना स्टार्ट हो गई। चलिए ले क्रिटिकल हिट,
मुझे मालूम था भाई कोरल प्रिकल्स का कैसे यूज़ करते हो, एकदम वो एकदम नकल जैसे रहते, पहली बात तो ख़त्म भाई। ओफ है कितने आसानी से हमने इसको भी हरा दिया। फर्स्ट पोजीशन हम इसमें भी आ गए, वॉल्केनो में फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, विक्ट्री। अकेले ने 2322 का डैमेज दिए। फर्स्ट पोजीशन की हमें चेस भी मिल चुकी है, एक फंगस थी कि जो नेक्स्ट बॉस है, 3 मॉन्स्टर शार्ट्स, 2 स्मॉल डार्कनेस मिले हमें। ओ ये रहा भाई, और ये जो बंदा है ना सबसे नीचे वासिम भाई, ये ऑफलाइन हो गया था इसलिए रेड रेड आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के शैडो फाइट 2 की वीडियोज़ देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।